हाल आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस योद्धा की डे वन की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है और ये बात अब आप सब अच्छी तरह से जान गए होंगे कि योद्धा को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। मतलब इसकी रिलीज से पहले बहुत से भाई दोस्त कंप्लेन कर रहे थे कि ये फिल्म नहीं चलेगी, पॉजिटिव रिव्यूज नहीं आएंगे। देखो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म करे या ना करे, लेकिन ये बात भी देखना इंपॉर्टेंट होता है कि फिल्म है कैसे। बहुत सी ऐसी फिल्म्स लास्ट गुजरी हैं जो कि बहुत अच्छी थी लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर गई, वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन यहां पर बहुत से दोस्त बोल रहे थे, ट्रेड इवन की गाइस ट्रेड को भी लगता था कि योद्धा बिल्कुल भी एक अलग ही मतलब नॉर्मल फिल्म होगी, बिल्कुल कोई इतनी खास फिल्म नहीं होगी। बहुत से भाई दोस्त इसको कंपेयर कर रहे थे टाइगर, तो इवन कि मैं भी टाइगर 3 के साथ फाइटर के साथ कंपेयर कर रहा था। बट भाई साहब ये फिल्म उससे बहुत अच्छी निकली है, टोटली मतलब यूनिक भी कह सकते हैं, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले एलिमेंट ने इस फिल्म को बहुत इंगेजिंग किया, ऊपर से फास्ट पेस, मैंने अपने रिव्यू में भी बोला। नाउ इसकी डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या कहती है वो देखते हैं। ऑफ कोर्स एंड में शैतान का भी देखेंगे कि उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा परफॉर्म कर रही है। तो भाई डायरेक्ट चलेंगे योद्धा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो गाइस मॉर्निंग में ऑक्युपेंसी थी 10% की मॉर्निंग में ऑक्युपेंसी, आफ्टरनून में 12% की ऑक्युपेंसी, इवनिंग में 13% की ऑक्युपेंसी और ओवरऑल बना 12%। यानी गाइस देखो ऑडियंस का क्रेज बढ़ेगा, स्लोली बढ़ेगा। इतना मतलब अभी नाइट शोज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं योद्धा के। लेकिन मैं सोच रहा हूं या मैं अगर अपनी पर्सनली भाई सब बताऊं आपको, तो कल के दिन यानी कि कल सैटरडे और परसों संडे, ये दो दिन भाई साहब योद्धा एक बहुत अच्छा जंप लेने वाली है, बिलीव मी। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 8 बज रहे हैं, आज 7 नहीं बज रहे, आज 8 बज रहे हैं, और 8 बजे तक ये 3.15 करोड़ की भाई साहब ऑफिशियल नेट कलेक्शन कर चुकी है। मतलब कि अगर भाई साहब नाइट के ये जो 5 घंटे या 4 घंटे बचते हैं, ये अगर बहुत अच्छे जाते हैं, देन ये फिल्म 6 करोड़ के आसपास लैंड करेगी या मे बी 7 करोड़ तक चले जाए। माइट बी पॉसिबल कि हमें जो ऑफिशियल नंबर देखने को मिलेंगे वो 7 करोड़ के होंगे, तो 7 करोड़ इस फिल्म की डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी। लेकिन भाई साहब डिपेंड करेगा कल पे और परसों पे कि भाई साहब कल कैसा रिस्पॉन्स और परसों कैसा रिस्पॉन्स। अब अगर शो की बात हो ही रही है तो मैं जरा आपको शो काउंट भी बताऊं जो आप लोग बोलोगे कि भाई बहुत अच्छा है। मुंबई में 584 शोज इनफ, 13% की ऑक्युपेंसी, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, नाइट की ऑक्युपेंसी आपको पता है रात को लेट आती है तो वो अभी नहीं बता सकते। दिल्ली एनसीआर 688 शोज, 13% की ऑक्युपेंसी, पुणे 204 शोज, 13% की ऑक्युपेंसी, बेंगलुरु 197 शोज, 10% की ऑक्युपेंसी, हैदराबाद 145 शोज, 20% की ऑक्युपेंसी, कोलकाता 165 शोज, 8% की ऑक्युपेंसी, अहमदाबाद 400 शोज, 7% की ऑक्युपेंसी, चेन्नई में जस्ट 33 शोज, 41% की ऑक्युपेंसी, सूरत 175 शोज, 7% की ऑक्युपेंसी, जयपुर 82 शोज, 19% की ऑक्युपेंसी, चंडीगढ़ 57 शोज, 18% की ऑक्युपेंसी, भोपाल 55 शोज, 5% की ऑक्युपेंसी, लखनऊ 120 शोज, 8% की ऑक्युपेंसी। यानी कि शोज इनफ है, शोज भाई साहब मैं कम बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, शोज इनफ है। तो इस शोज के बाद भाई साहब जो डे वन की बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन है वो है 6 से 7 करोड़ रुपए और अभी तक 3.15 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर नाइट के ये आवर्स बहुत अच्छे निकलने चाहिए, कल भाई साहब सैटरडे है, फ्राइडे नाइट ऑक्युपेंसी वैसे भी अच्छी जाती है, बाकी फिर होप फॉर द बेस्ट, कल ऑफिशियल नंबर आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन 7 करोड़ मुझे लगता है कि ये जाएगी। नाउ मूव करेंगे शैतान की तरफ, देखते हैं कि उसका क्या हो रहा है। थिएटर्स में रिलीज हुए 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, आज भाई साहब डे 8 था। तो पहले 7 दिनों की अगर मैं हम ऑफिशियल नेट कलेक्शन देखें तो कल डे 7 थर्सडे पर 5.75 करोड़ आया और इतना आने के बाद पहले 7 दिन यानी कि वीक 1 के अंदर शैतान की इंडिया से नेट कलेक्शन हो गई भाई साहब 80 करोड़ रुपए, ग्रो 80 करोड़, एग्जैक्ट नंबर 79.75 है तो इनको हम 80 करोड़ मान सकते हैं। ग्रॉस बनी 94 करोड़, ओवरसीज से आ चुका है 21 करोड़, टोटल हो गया 115 करोड़। यानी के 80 करोड़ रुपए की पहले वीक में 7 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 115 करोड़ रुपए। इसी के साथ अब हम आ जाते हैं आज पे। आप सबको पता है आज योद्धा भी रिलीज हुई है, तो योद्धा के बाद शैतान का भाई साहब क्या सीन चल रहा है देखिएगा। मॉर्निंग में 10% की ऑक्युपेंसी, आफ्टरनून में 15% की ऑक्युपेंसी, इवनिंग में 18% की ऑक्युपेंसी। आप लोग बोलेंगे कि कल से ज्यादा ऑक्युपेंसी आज है, तो गाइस कल तक इस फिल्म के पास 12,000 शोज थे, वहीं पर आज इस फिल्म के पास 6 से 7,000 शोज है।
है। अभी मैं अगर आपको शोज की भी रिपोर्ट बताऊं, एक नॉर्मली सा ओवरव्यू दूं, तो भाई सब मुंबई के अंदर 560 शोज है, दिल्ली एनसीआर के अंदर 660 शोज है, पुणे के अंदर 214, बेंगलुरु में 170, हैदराबाद में 110, कोलकाता में 182, अहमदाबाद में 281, चेन्नई में 22, सूरत में 144, जयपुर में 90, यानी कि जैसे शोज भाई साहब हैं युद्धा के, वैसे ही शोज भाई साहब अब शैतान के हैं। तो इसके बाद अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखूं तो बड़ी इंटरेस्टिंग कैसे भाई, अभी एग्जैक्टली 8 बजे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तो योद्धा का 3.15 करोड़ था, और भाई इधर शैतान के ऑफिशियल नेट कलेक्शन 3.40 करोड़ है, यानी कि भाई साहब योद्धा से ज्यादा, जिसको देखकर मैं तो भाई साहब शॉक्ड हो गया हूं यार, ये तो कमाल हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये फिल्म भी आज के दिन मुझे लगता है क्या पता 6 करोड़ को टच कर ले। फ्राइडे है ना, नाइट शोज अच्छे जाएंगे, भले कल थर्सडे था कलेक्शन कम हुई 5 करोड़ की लाइन में, लेकिन आज फ्राइडे सब नाइट शोज अच्छे जाने वाले, होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो खैर दोस्तों, अभी कल पता चलेगा कि योद्धा को कल भाई साहब कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, सुबह की एडवांस बुकिंग में भी काफी आइडिया हमें मिल जाएगा। लेकिन आप में से अगर किसी ने योद्धा देखी हो तो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, होप सबको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर मोमेंट अच्छा था, ऐसा नहीं हो सकता कि 10 मिनट भी वेस्ट था। सर कैसे लगे मूवी? बढ़िया थी सर। भाई कैसे लगे? अच्छी थी। कैसे लगे पिक्चर? बहुत अच्छी थी, फुल ऑफ एक्शन थी और क्लाइमेक्स में बहुत अच्छा था। सिद्धार्थ का परफॉर्म बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। सिद्धार्थ की और राशि की केमिस्ट्री अच्छी लगी स्क्रीन पे? इतनी ज्यादा दिखाई नहीं है, पर जितनी दिखाई है इस मूवी के हिसाब से सही थी। अच्छा, फिल्म में ज्यादा क्या है, एक्शन, रोमांस, देशभक्ति, क्या है? देशभक्ति है और एक्शन है, रोमांस तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी फैमिली के लायक देखने मूवी है, फैमिली के साथ आ सकते जो आना। बोर तो नहीं करती? नहीं। थैंक यू मैम, आप बताइए कैसे लगी? वेरी नाइस। क्या क्या अच्छा लगा ये बताइए? सब कुछ। कुछ बुराई नहीं था फिल्म में? नहीं, एंटरटेनमेंट था, वसूल हुआ पैसा, वर्थ इट था। बढ़िया पिक्चर, बढ़िया थी। क्या क्या अच्छा लगा पिक्चर में? पिक्चर में जो बवाल पिक्चर थी, जो इमोशंस थे उसमें बहुत लगे, जो नेशनलिज्म था मूवी में वो एक नंबर था, सस्पेंस एक नंबर था, और एक्शन भी बढ़िया एक नंबर था। सिद्धार्थ का काम पसंद आया। कैसे लगे पिक्चर? सॉलिड थी, ऊपर नहीं गया। क्या क्या अच्छा लगा फिल्म में? आई थिंक बहुत गुड, सब कुछ अच्छा था। सर आप बताइए। एक्शन बहुत बढ़िया था, एक्शन अच्छा था। सर कैसी लगी मूवी? बढ़िया मूवी। कैसे लगी? बहुत बढ़िया मूवी थी, जय जय भारत। आमीन। कैसे लगे भाई? बहुत ही अच्छी मूवी थी, और यहाँ पे हम इसको IMDb रेटिंग 9.2 के ऊपर देंगे, बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी थी।